हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टू रीड फोनिक्स। इंग्लिश रीडिंग करना फोनिक्स की मदद से हुआ आसान। पिछले दो वीडियो में हमने अल्फाबेट्स और टू लेटर वर्ड्स का फोनिक्स साउंड की मदद से रीडिंग किया है। आपने अब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो दोनों वीडियोस को देखिए, उनकी लिंक नीचे दी गई है। आज हम एन वर्ड्स से रिलेटेड थ्री लेटर वर्ड्स का रीडिंग करेंगे। क एन कैन, कैन। व एन वैन, वैन। प एन पैन, पैन। म एन मैन, मैन। र एन रैन, रैन। फ एन फैन, फैन। ब एन बैन, बैन। ट एन टैन, टैन। इन शब्दों का हमने आसानी से रीडिंग किया है। चलो एक बार फिर उनकी पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। क एन कैन, कैन। F एन फैन, फैन। M एन मैन, मैन। P एन पैन, पैन। R एन रैन, रैन। V एन वैन, वैन। T एन टैन, टैन। B एन बैन, बैन। वर्ड्स का रीडिंग करना आसान लग रहा है ना? अब हम एट इस वर्ड से रिलेटेड थ्री लेटर्स वर्ड का रीडिंग करेंगे। म एट मैट, मैट। र एट रैट, रैट। स एट सैट, सैट। प एट पैट, पैट। F at fat, fat. B at bat, bat. C at cat, cat. H at hat, hat. फोनिक साउंड का उपयोग करके आप आसानी से ऐसे वर्ड्स रीडिंग कर सकते हैं। उसके लिए स्पेलिंग याद करने की भी जरूरत नहीं है। आज हमने एन और एट इनसे रिलेटेड वर्ड्स का आसानी से रीडिंग किया। चलो अब इन शब्दों से रिलेटेड सेंटेंस रीडिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। अ मैन रैन टू द वैन। A fan is in the van. A mat is by the van. A fat cat is on the mat. A rat is on a bat. A hat is on a rat. आज हमने एन और एट इन वर्ड्स से रिलेटेड थ्री लेटर वर्ड्स और उन वर्ड्स की मदद से बनाए गए सेंटेंस का रीडिंग किया। वर्ड्स और सेंटेंस रीडिंग करके आपको ये भरोसा आ गया होगा कि फोनिक की सहायता से हम इंग्लिश रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। आप वीडियो देखकर रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। अगले वीडियो में हम एड और ऐप इन वर्ड्स से रिलेटेड थ्री लेटर्स वर्ड्स पढ़ना सीखेंगे। लर्न टू रीड फोनिक्स सीरीज से सभी वीडियोस की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।